हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रेणु चौबे बड़ोड़ा गुजरात से। हर ट्यूसडे की तरह आज का भी हमारा जो सेशन है वो कुछ स्पेशल है, अलग हटकर है। पर इसके लिए मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि शुरुआत भी मैं नहीं करूंगी। क्यों? एक आम गृहिणी आपके सामने अपने चीजें शेयर करने वाली है, और वो ये बताने वाली है कि एक आम गृहिणी सिर्फ 2 चम्मच हिलाकर अपनी किस्मत को किस हद तक चमका सकती है। तो मैं चाहूंगी रीना जी, जो हमारे साथ हैं, वो आपको बताएं कि आम गृहिणी की ताकत क्या है। समझो, परखो, जानो और फिर कामयाब हो जाओ। ओवर टू रीना जी। थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना तिवारी भरूच से। आज मैं थोड़ा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा आवाज भारी भारी आएगा, थोड़ा इशू है था इसके लिए। तो मैम जैसे बताई कि 2 चम्मच हिला के कैसे अपने किस्मत को चमका सकते हैं, तो मैं शुरुआत करूंगी छोटी सी कहानी से। एक लेडीज थी जो बहुत गरीब अवस्था में बली हुई थी, लेकिन उसके ख्वाहिश बहुत बड़े थे। वो कुछ बढ़ी बढ़ी उसके परिवार में सब कुछ देखी, वो दुख सुख सब भी कुछ देखी। भगवान की कृपा से जब वो अपना ग्रेजुएशन की, उसको अच्छा परिवार मिला, उसको हस्बैंड भी अच्छा मिला, सब कुछ का सपोर्ट था उसके पास, किसी चीज का कमी नहीं था। लेकिन वो कुछ अलग थी, अलग सोचती थी सबके लिए। तो उसके मन में एक बात हमेशा उठती थी कि ऐसा क्या करूं, क्योंकि अगर मैं कुछ किसी के लिए हेल्प करना चाहती हूँ या मदद करना चाहती, तो ऐसा क्या, कौन सा काम करूं जिससे मैं दूसरे की जिंदगी में ऐसी खुशी लाऊं जो उनको पूरी जिंदगी दे सके, पूरी जिंदगी खुशी दे सके। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रही थी। वो हर दिन सोचती कुछ ना कुछ, हर दिन नया सोचती कि क्या करूं, ऐसा क्या करूं, मुझे तो करना है कुछ, ऐसा काम करना है कि दूसरे की जिंदगी में मैं खुशियां ला सकूं जैसे मैं खुश हूं। क्योंकि मैं हर अवस्था देखी थी, तो उस लड़की को भी वो था कि वो दूसरा कोई अवस्था ना देखे, वो अपने जो पढ़ाई लिखाई होता है उसको वो निखार सके। अपने अंदर, हर लड़की के अंदर अंदर एक कुछ ना कुछ ख्वाब रहता है, लेकिन जैसे ही शादी होता है ना दोस्तों, वो ख्वाब वहीं का धरा रह जाता है। हस्बैंड प्यार करने वाले की इतना क्यों ना मिले, मान सम्मान वाले घर क्यों ना मिले, लेकिन कभी भी उसका खुशियां, उसको पूरा सपना वो पूरा नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं वो दब ही जाता है। हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, कोई सारा दुनिया को खुशियां ला के दिए, लेकिन कौन जाने कि उसके अंदर कौन सा खुशी, वो कौन सा खुशी चाह रही है, कौन सा खुशी वो ढूंढ रही थी। तो ऐसे करते वो हर दिन जब प्रे करती भगवान से, तो प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे जीवन में कुछ ऐसा आए ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। ऐसा करते करते कितने वर्षों बीत गए, 20 साल हो गए। अंत में एक दिन भगवान उसके सपने में आए और बोले कि हाँ, तुम्हारा क्या ख्वाहिश है बताओ बत्स। तो वो औरत जो गरीब थी, एक दिन वो पूछ बोलती है भगवान से कि भगवान, मेरा एक ही ख्वाहिश है, मैं ऐसा क्या काम करूं क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं जब दुनिया घूमती हूँ तो मुझे सबको देख के ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो दूसरे के जीवन में खुशी लाए, और ऐसा खुशी लाए जो टिका हुआ रहे। ऐसा खुशी ना लाऊं जो 2 पल के लिए आया फिर वो निकल जाए, ऐसा खुशी लाऊं जो उनके भविष्य में टिके हुआ रहे। भगवान ने बोला कि तुम इतना सालों से एक ही प्रे कर रही हो, एक ही प्रे कर रही हो, तो तुम जो चाहो तुमको मिलेगा। ऐसा बोलकर भगवान उसके सपने से अंतर्ध्यान हो। सुबह वो उठी, अपने सपने के बारे में सबको बताई, बोली, सबको बोलती है, अरे तुम तो हमेशा यही सपना देखते रहती हो, कभी पूरा होता है क्या? तुम्हारे मन पता नहीं क्या सा सपना लेके तुम बड़ी हुई हो। लेकिन वो किसी की बातों को नहीं रखती, अंदाज कर देती है और सिर्फ अपने सपना पर फोकस करती है। एक दिन ऐसा आया दोस्तों कि उस लड़की के सपने सचमुच पूरे हुए, और वो लाखों लोगों की जिंदगी बदल के इतना खुश हुई। अंत में जब वो मरने लगी, तब सभी लोग उसको बोलते, उसके मरने के बाद सभी लोग बोले कि एक ऐसा लड़की थी जो सबसे हटके थी, वो ऐसा काम करके गई कि दुनिया में कितना बड़ा मिसाल बना के गई। तो दोस्तों, जैसे उस लड़की का सपना है वैसे ही कुछ कुछ ही, उतना तो नहीं है, कुछ मेरा भी सपना है कि मैं दूसरे को जिंदगी में खुशियां ला सकूं, लेकिन खुशियां वैसा ही जो टिका हुआ रहे। तो अब मैं तो गृहिणी हूं, तो मैं गृहिणी के जैसा ही बात करूंगी। तो क्या आप जानते हैं कि मैं तो हर चीज में निपुण हूँ, खाना बनाने में निपुण हूँ, सिलाई कढ़ाई में निपुण हूँ, मतलब बहुत कुछ करते रहती हूँ। मुझे मेरा तो जुनून ही है अलग अलग सीखना। तो
तो कलचिल चलाते चलाते ही मैं सोचती थी कि ऐसा क्या करूं भाई, क्या ऐसा काम है जहां मेरा इन्वेस्टमेंट ना हो मेरा, क्योंकि मैं किसी से मांगना कुछ नहीं चाहती थी। बिना मांगे मैं ऐसा क्या करूं जो लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। तो बाय चांस फ्रेंड्स मेरे लाइफ में मोदी केयर आया, और मैं आज आपको बताऊंगी कि रियल में सिर्फ 2 चम्मच आपको चलाना आता है ना, तो आपके हाथों में है कि आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो पहले से स्टार्ट में करती हूँ मेरी अपनी ही कहानी कि मैं कैसे अपनी किस्मत को चमकाई। तो जैसे कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती थी, हर दिन करती थी, हर दिन कुछ ना कुछ सोचती थी। तो मैं झाड़ू पोछा करती थी, सोच करी कोरोना बहुत बढ़ रहा है और उस समय मेरे लाइफ में मोदी केयर आ चुका था। तो मैं मेरे मन में दिमाग गया कि अरे इतना सालों से जो प्रोडक्ट बाहर से ले रही थी उससे मुझे क्या मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मोदी केयर में आई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा मिला प्रोडक्ट जो है हमारा स्टेरिक्लीन। अब इसमें आप लोग पूछेंगे कि इसमें खास क्या है, तो दोस्तों आज मैं वही बताऊंगी कि इसमें खास क्या है और ये हमारे लाइफ में कैसे खुशियां लाया। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी, साथ साथ में इसका इंट्रोडक्शन भी दूंगी। ये देखिए 2 ग्लासेस से मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ तो मेरे हाथ में पोछा आया। उस समय मैं घर गंदा है तो मैं ये घर के लिए लेती हूँ 2 ग्लास लेती हूँ, क्योंकि हम आप लोग को दिखाना है, अपनी आंखों से दिखाना है कि आखिर में मैं क्या चेंज दिखाना चाहती हूँ आपको। बाहर का जाना माना प्रोडक्ट मैं लेके आती हूँ जो दावा करता है कि 99% को जर्म को किल करता है, लेकिन मुझे अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, हमेशा सफाई में लगी रहती हूँ। और तो इसको मैं दोनों घर को पहले तो गंदा करूंगी, गंदा करूंगी तब तो घर साफ होगा। तो देखिए दोनों घर को मैं गंदा कर दी। इसके बाद मैं देखिए दोनों में घर गंदा हो गया मैम, क्लियर। इसके बाद मैं बाजार का प्रोडक्ट है, 1 ग्लास में मैं बाजार का प्रोडक्ट एक ढक्कन डाल देती हूँ। बाजार के प्रोडक्ट में कोई भी जो फिनाइल आप यूज करते हैं उसमें साफ करने की एक सरफेस रहता है, उसको बोलते हैं BKC की मात्रा, वो 4 to 5% होता है। लेकिन जो हमारा एस्टेरी क्लीन है इसमें BKC की मात्रा 12% है। तो ये क्या करें, और ये कॉन्स्टेंटेड है, ये 3-in-1 है, ये मल्टीपर्पस यूजर है। इसको हम बाहर कहीं से घूम के आते हैं तो अपने कपड़ा खोलते हैं तो डिटॉल डालना पड़ता है, तो मैं डिटॉल नहीं डालती हूँ, इसको इसका 2-4 बूंद डाल देती हूँ तो मेरा कपड़ा सैनिटाइजर हो जाता है। घर में सुबह से पोछा मारती हूँ तो मैं शाम तक निश्चिंत रहती हूँ कि मेरे घर में कोई भी आएगा तो ये उसको अपने अंदर एजॉर्ब कर लेगा कीटाणु को। अब मैं देखिए इसमें मैं मोदी केयर का डालती हूँ। अभी ये क्या किया, देखिए इसको हिलाई और इसको हिलाई, दोनों को देखिए, ये क्लीन कर दिया, ये क्लीन नहीं किया। अब ये क्या करेगा, अब तो बैक्टीरिया, इसमें तो बैक्टीरिया है तो ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को भी क्लीन कर देगा। देखिए पूरी तरह से क्लीन हो गया। उसके बाद मैं जब घर साफ कर ली उसके बाद मैं चली अपने बाथरूम में नहाने के लिए, तो वहां भी मैं देख रही हूँ कि मेरा जो बाथरूम है वो तो बहुत गंदा है। मैं पहले जो लाती थी प्रोडक्ट उससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन ये प्रोडक्ट है तो कभी गलती से हाथ में छीटा भी पड़ जाता है ना तो जलता नहीं है। तो मैं आज इसका भी डेमो आपको दिखाऊंगी। ये 90 सेकेंड में ही हमारे बाथरूम को क्लीन कर देता है। तो मेरे पास में एक, अभी मैं बाथरूम तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ, तो मैं एक तांबा का बर्तन लेती हूँ उसी में आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको हाथ से क्लीन करती हूँ तो भी मेरे हाथ को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसका मैं देखिए 2 बूंद इसमें डालती हूँ, 2 या 1 बूंद डालती हूँ, इसको मैं हाथ से रब करती हूँ। तो मेरा स्किन डैमेज नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे मैं इसमें हाथ में टच करती हूँ ना बाहर का प्रोडक्ट तो मेरे हाथ में जलन होने लगता है, लेकिन मैं इसको कितना देर से इसको क्लीन कर रही हूँ मेरे हाथ में कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसके बाद मैं इसको कपड़ा से साफ कर देती हूँ। फिर ये देखिए दिख रहा है क्लीन कितना हो गया, इधर का भाग कितना काला है, इधर का भाग क्लीन हो गया। ऐसे ही हमारे बाथरूम में जब इसको हम डाल देते हैं 90 सेकेंड में, यहाँ हमारा टाइम भी बहुत बच रहा है। तो ये हमारा बाथरूम क्लीन हो गया। उसके बाद मैं आती हूँ नहा उहा ली, फिर भगवान जी को साफ करने के लिए आती हूँ, पूजा पाठ होता है मेरा। जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो फिर देखती हूँ कि पूजा का बर्तन गंदा हुआ है, तो इसके लिए पहले मैं पीताम्बरी का यूज करती थी, अब मैं पीताम्बरी का यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास में स्पिनेस पान है, ये इजिली सिर्फ
कुछ ड्रॉप्स, इसका भी कुछ ड्रॉप्स ले इधर मैं लगाऊंगी आपको और दिखाऊंगी कि कुछ ड्रॉप से ही कैसे ये क्लीन कर देता है। इसका कुछ ड्रॉप्स डाली और इसमें कोई एसिड नहीं रहता, अगर एसिड रहता तो आपका हाथ जल जाता, जलने का डर रहता है। लेकिन देखिए मैं इसको हाथ से टच कर रही हूँ, ये जल नहीं रहा है और इसको क्लीन कर रहा है। देखिए इसको भी मैं कपड़ा से रब कर देती हूँ, ये देखिए कलर चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर साफ हो गया। अब इसको मैं कपड़ा से रब कर दी, इसको क्या करने का, साफ करने के बाद कपड़ा से धो देने का, पानी से धो देने का। साबुन कभी यूज नहीं करिएगा क्योंकि कितना लोग का कंप्लेन आता है कि साबुन जब यूज करते हैं तो काला हो जाता है। इसको इसी से साफ करने का और बाद में साफ कपड़ा थी पानी से धोने के बाद सिर्फ सूखा कपड़ा से पोंछ के थोड़ा देर रख देने का, बाद में इसको यूज कीजिए तो आपको कितना देर तक, 5-6 घंटे तो आराम से टिक चमकता हुआ आपका बर्तन रहेगा, उसे ज्यादा भी रहेगा कम तो रहेगा नहीं। तो मेरा जब मैं पूजा पाठ कर ली उसके बाद फिर मैं आई, बर्तन पूजा का साफ हो गया, उसके बाद मैं आती हूँ कि अब मैं पूजा के बर्तन में प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं ये कटोरी यूज करती हूँ जो चांदी का है। अब इसको मैं साफ कैसे करूंगी, ये तो मुझे दुकान में लेके जाकर साफ कराना पड़ेगा, कितना काला हो गया है पीछे का भाग। तो अब इसको मैं साफ कैसे करूंगी, तो इसके लिए मेरे पास में है सिल्वर डिप, इसको मैं क्या करूंगी, इसके आप क्या इससे पायल भी साफ कर सकते हैं, भगवान का छोटी छोटी मूर्ति है वो भी साफ कर सकते हैं, कुछ भी साफ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये दिया हुआ रहता है बकेट। तो चांदी का सिक्का हो या पायल हो या कोई भी चांदी की छोटी छोटी मूर्ति हो, कुछ भी हो, उसको इसमें डाल के और उसके अंदर डुबो दीजिए। जब तक पानी काला नहीं होता है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं और इसका प्राइस बहुत ही कम है, तो आपके घर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं इसको साफ कैसे करती हूँ, मैं इसको डायरेक्ट इसकी बाउल में डाल देती हूँ और थोड़ा सा इसको घुमा देती हूँ, रहने देती हूँ। जब ये थोड़ा देर रह जाता है तो ये अपने आप इसको क्लीन कर देता है। जब तक मैं आपको दूसरा डेमो दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा इसको मैं इसमें रखूंगी, फिर मैं जब मेरा हो गया पूजा पाठ फिर मैं फटाफट किचन में जाती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना रहता है, टाइम का बहुत सुबह सुबह मैनेज करना बहुत जरूरी रहता है उसमें। तो मैं फिर फटाफट किचन में जाती हूँ, जब किचन में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं खाना वाना बनाती हूँ तो तेल का छींटा पड़ जाता है ग्लास में, तो उसके लिए मेरे पास में है माइटी यून वन। अब माइटी यून वन क्या करता है कि जो तेल का छींटा पड़ गया उसको साफ करता है। इसके लिए भी मैं आपको सिंबॉलिक डेमो दिखाऊंगी कि एक ग्लास में लेती हूँ, उसको मैं गंदा करती हूँ। अब मैं गंदा करने के लिए बेटाडीन यूज करती हूँ क्योंकि बेटाडीन जो है हमारा गुड बैक्टीरिया है, इसके लिए मैं इसको इसमें इसको यूज करती हूँ। अब ये हो गया, ये देखिए ये गंदा हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसमें इसको करूंगी, इसका सिर्फ थोड़ा सा स्प्रे करने से ही ये कितना क्लीन हो जाता है, ये देखिए क्लीन हो गया। इसी से मैं टीवी, फ्रिज, अपना मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी साफ कर सकती हूँ, कहीं पर कुछ लग जाता है गंदगी वो भी मैं साफ कर सकती हूँ। तो ये मेरा टाइम का कितना बर्बाद हो गया, जब खाना बन गया छींटे साफ कर दी, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि किचन में कोना कोना में वो लगा हुआ है, थोड़ा सा काला काला लगा है, उसको साफ कैसे करूं। तो हमारे पास आता है HD फ्लोर क्लीनर, इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा लेते हैं लिक्विड और नीचे डाल देते हैं और थोड़ा सा हल्का ही रब कर देते हैं ना, तो जितना भी काला काला दाग रहता है सब निकल जाता है। इसके बाद फिर सब कुछ काम करते करते मेरे कपड़े गंदे हो गए। अब मेरे कपड़े गंदे हो गए तो उसके लिए आता है डेटॉल आता है। तो डेटॉल कोई भी दीवार पर बच्चे लिख दिए, दाग कर दिए, कुछ भी कर दिए ना, तो वहां आपका डेटॉल बहुत ही अच्छा काम करता है। थोड़ा सा लेने का मात्रा और स्क्रब में और उसको हल्का सा रब कर देने का, उससे क्या होगा आपका दीवार का दाग भी चला जाता है और आपके कपड़े के ऊपर जो भी लगा हुआ है दाग वो भी निकल जाएगा। उसको थोड़ी सी पानी से धो दीजिए, डिटर्जेंट में धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी से धो दीजिए तो इसका दाग निकल जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं इसमें सिल्वर डिप डाली थी 2-3 मिनट हो गया, फिर मैं इसको इसी पानी को इस डब्बा में डाल देती हूँ और सिंपल पानी से इस कटोरी को धो लेती हूँ, फिर देखिए क्या होता है। तो
उसके बाद फिर इसको मैं पोच देती हूँ, सूखा कपड़ा से पोच देती हूँ। देखिए ये अंदर से कितना चमक गया, बिल्कुल नया की तरह चमक गया। तो यहाँ कितना बाजार जाते साफ करने के लिए, वहां ऑटो का भाड़ भी भाड़ा लगता, जो साफ करता उसका भी मुझे देना पड़ता। तो कितना ज्यादा मैं सेविंग कर रही हूँ अपने टाइम का, अपने मनी का। तो यहाँ मेरे, और ये प्रोडक्ट बहुत दिन से बहुत लंबा चलता है, तो कितना अच्छा हुआ। मेरा 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तो बिल्कुल लग रहा है 2 साल तो आराम से चले ही, 2-3 साल तो चल ही जाएगा मेरा, क्योंकि काला जब तक नहीं हुआ जब तक मैं यूज करूंगी। तो यहाँ तो मेरा ही बचत हुआ ना। उसके बाद फिर मैं जब बर्तन धोती हूँ तो सब ट्यूब में बाहर से वो लाती हूँ, स्क्रबर लाती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उसमें लोहा का जो रहता था, क्यों हमको जला हुआ बर्तन तो छुड़ाना पड़ेगा ना उसी से, तो वहां भी लोहा का लाती हूँ। तो वो क्या होता है, वो टूटता है, टूटते सर साइड साइड में बर्तन में लग जाएगा। लेकिन जो मोदी केयर का स्क्रबर है, ये देखिए कितना स्ट्रेचेबल है, ये बिल्कुल टूटता नहीं है और इतना सॉफ्ट रहता है कि आपको हाथ को भी खराब नहीं करता है। तो मैं तो इसे बर्तन भी धो देती हूँ, किचन का कपड़ा था उसको भी लगा देकर साफ कर देती हूँ, दोनों काम मेरा ऐसे हो जाता है। तो कितना अच्छा, यहाँ मेरा, यहाँ भी मेरा टाइम का बचत हो रहा है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं बाहर से कुछ लाती ही नहीं। अब ये सब हो गया, काम पूरा हो गया, किचन साफ हो गया, अब बारी आई हैंड वॉश की, क्योंकि सब काम करिए तो हाथ तो गंदा ही हो गया ना, तो उसके लिए तो हाथ साफ करेंगे ना। अब मैं आपको हैंड वॉश दिखाती हूँ। मैं 2 ग्लास ली हूँ और इसमें मैं नमक डालती हूँ। नमक क्यों डालती हूँ, क्योंकि मेरे जो हाथ है उसमें सॉल्टी होते हैं, पसीना सॉल्टी ही होता है, इसलिए मैं नमक डालती हूँ। तो मैं 2 ग्लास में नमक डालूंगी, 1 हाथ में जी, 1 ग्लास में मैं मोदी केयर बाजार का प्रोडक्ट डालूंगी और 1 हाथ जो बाजार का भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो दावा करता है कि 99% जब उनको किल करता है। लेकिन सच में दोस्तों आप आंख खोल के देखिए आज कि ये किल कर रहा है या क्या कर रहा है आपके स्किन को। तो मैं देखिए आपके सामने ही इसमें डाल रही हूं। और इसको मैं यहां पर मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद मैं जो आप दूसरे ग्लास में मोदी केयर का डाल रही हूं, अब दोनों ग्लास में मैं पानी डालूंगी। अब इसको भी मैं मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि हाथ क्लीन करना, क्योंकि कोरोना में बोला जाता है ना कि बार बार हाथ धोइए, लेकिन बार बार हाथ धोने से क्या होता है, हमारा हाथ रुखरा हो जाता है, डैमेज हो जाता है बहुत ज्यादा। अब मैं दोनों ग्लास में पानी डालूंगी। देखिए दोस्तों ये जो ग्लास है इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये हमारे वाटर से बिल्कुल मिल गया है, इजी डाइल्यूट हो गया है, ये इसमें कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है। लेकिन जब मार्केट का प्रोडक्ट आप देखते हैं तो आपको उसमें क्या दिखता है, ये देखिए इसमें इतना बड़ा, ये क्या है, कभी आप इमेज कर सकते हैं कि हैंड वॉश में भी ऐसा निकल सकता है? हाँ दोस्तों, ये हैंड वॉश ही है जो रियल में आपके स्किन को डैमेज कर रहा है। ये प्लास्टिक है, फाइबर से, जो हमारे स्किन को धीरे धीरे नुकसान करता है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हम जाने अनजाने में अपने आप के अंदर डाल रहे हैं। तो मैं तो इसको टाटा बाय बाय कर चुकी हूँ। अब मेरे पास तो बायोसेफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जो हमको भी सेफ रख रहा है और हमारे धरती माता को भी सेफ रख रहा है, दोनों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये तो हो गया। उसके बाद फिर जब हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन, ये तो मैं बताना ही भूल गई, जब बर्तन धोते हैं तो हमारे पास मैं मार्केट का साबुन पड़ जाती थी, विम बार हुआ चाहे जो भी हुआ, हर कोई लाता था वही, मैं भी वही लाती थी। लेकिन जब मेरे पास में वंडर ड्रॉप आया तो ये क्या किया, इसका भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। दोनों ग्लास में मैं पानी ले लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डालती हूँ, क्योंकि मुझे हल्दी ऐसे ऐसा चीज है जो तुरंत केमिकल का इफेक्ट बताता है हमको। तो हल्का हल्का ही मैं इसमें दोनों ग्लास में हल्दी डाल रही हूँ। एक में मैं अपना बाजार का डालती हूँ, थोड़ा सा मैं टुकड़ा काट कर रखी हूँ मार्केट का जो साबुन है उसका, और दूसरे में डाल रही हूँ वंडर ड्रॉप। ये देखिए क्या कमाल करता है।
मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक ही कर दिया, अब तो इसके बाद तो मुझे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है। अब ये देखिए पूरा येलो का येलो है, और ये क्या हुआ वो देख लीजिए आप। जब ये जाता है इसके अंदर, ये घुल तक पूरा अभी ठंडा है तो जम गया है, तो ये घुल नहीं रहा है। ये जाता है तो हमारे हाथ को डैमेज करता है। ये कैसा हो गया देखिए, ये जम जाता है और पूरा रेड हो जाएगा, तो ये हमारे हाथ को नुकसान होता है। हाथ इतना फट जाता था कि ब्लड निकलने लगता था, तो मैं तो इसको अवॉइड ही करती हूँ। मेरे पास में जो सेफ है, बायोसेफ प्रोडक्ट है, उसी को मैं यूज करना चाहती हूँ। दोस्तों आपने देख लिया अभी कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमको सिर्फ दो चम्मच ही हिलाना है, बाकी कुछ तो मैं यहाँ आपके सामने कुछ की ही नहीं, ओनली दो चम्मच हिलाई। आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताई कि प्रोडक्ट है क्या। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट आपने देख लिया तो आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा जो गारंटी वाला हो, क्योंकि मेरे पास जो जो भी प्रोडक्ट है वो गारंटी वाला है। इसी से मैं क्या क्या पाई वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे लाइफ में तो क्योंकि पहले भी प्रोडक्ट बाहर से ही ला रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैं ये प्रोडक्ट लाई तो मुझे क्या क्या मिला, मैं पहले सबसे पहले तो मेरे अंदर जो चेंज हुआ वो आप लोग के सामने ही है। मैं एक कंपनी की डायरेक्टर हूँ, स्पीकर हूँ, टीचर हूँ, मेंटर हूँ, एक छोटा मोटा डॉक्टर भी हूँ, जो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, हर प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम को मैं से उनसे बचा लेती हूँ। कोरोना हो या कोई फीवर हो, वायरल फीवर, कुछ भी इन्फेक्शन हो, उससे मैं उस चीज को उनको बचाती हूँ। मैं अपनी बेटी के स्किन प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी, तो मुझे तो सबसे अच्छा वही लगा कि मैं उसको अपने इस मोदी केयर प्रोडक्ट से ठीक कर पाई, तो मेरे लिए तो मोदी केयर वरदान है। जहाँ बहुत सारे डॉक्टर फेल हो रहे थे, वहां मेरा मोदी केयर मुझे कहाँ से उठा के कहाँ पहुंचा दिया, तो मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है। और ये क्या दिया मुझे, डायरेक्टर तो बनाया, तो किसी कंपनी का डायरेक्टर होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होता है। उसके बाद मुझे गोवा का अचीवमेंट मिला, जहां मैं फ्री में घूमने जाऊंगी, तो वहां भी क्या कोरोना की वजह से मैं जा नहीं पाई, तो कंपनी मुझे उसका पैसा दे दिया। ऐसा नहीं किसी फालतू में बोल दिया कि हाँ गोवा का ट्रिप आपको मिल गया, तो वो मोदी समीर मोदी जी सब चीज का ख्याल रखते हैं कि जब हम उनको ऑफर दिए हैं तो उसका तो उनको देना तो चाहिए, अगर नहीं गए तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसका पैसा मुझे मिल गया, आज मैं उस पैसा से कुछ भी कर सकती हूँ, अपने लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लूँ या अपने हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट लूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हमेशा तो उनके पैसा से खरीदती थी, अब मैं अपने पैसा से खरीदती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं लाखों लोग, कितना लाखों तो नहीं बताऊंगी, हाँ कुछ लोगों की तो मैं जिंदगी तो चेंज कर चुकी हूँ। जो लोग अपने आप को ये समझते थे कि नहीं मुझसे अब कुछ नहीं होगा, उन लोगों को मैं उठाकर कहाँ से कहाँ पहुंचा दी, तो पहला कदम तो मैं उठा ही चुकी हूँ। और मेरा कोशिश है कि मैं हर एक वैसा जो है हाउसवाइफ है या लेडीज हो, स्टूडेंट हो या कोई काम करने वाले भी हो, उनके लाभ में अगर वो कुछ पाना चाहते हैं तो मैं जरूर उनको हर कदम उनको हेल्प करूंगी, और जहां मैं पहुंची हूँ उनको वो भी पहुंचेंगे। और मुझे मोदी केयर में क्या मिला दोस्तों, आप तो मैं दिखा दी, सब कुछ दिखा दी, मैं अपने बारे में ही बता दी कि मैं डायरेक्टर हो गई हूँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छा बात क्या लगा वो मैं आपको बताना चाहती। मुझे सबसे अच्छा बात ये लगा कि जब मैं लॉयल्टी सुनती थी, लेकिन लॉयल्टी होता क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं था कि लॉयल्टी होता क्या है। सबको बोले कि हाँ 6 महीने के बाद 7 महीने में तुमको सामान मिलेगा, हम कि ठीक है जब मिलेगा तो देखेंगे। फिर सोचते थे अरे ये लोग से ऐसे ही बोलते हैं, उसमें कुछ मजा नहीं आएगा, लेकिन रियल में दोस्तों जब मैं 7 महीने में प्रोडक्ट ली ना, और प्रोडक्ट वो जो मैं च्वाइस करती हूँ, प्रोडक्ट वैसा नहीं कि जो वो च्वाइस करे वो मुझे लेना पड़ेगा, नहीं, जो मैं च्वाइस करती हूँ, तो साल में 3 बार प्रोडक्ट मैं ली, 5-5 हजार का, 15 हजार का प्रोडक्ट आ गया, तो मैं उसी प्रोडक्ट से फ्री में अपना घर पर दुकान खोल ली। क्योंकि लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता है, तो मैं क्या स्मार्ट दिमाग लगाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मोदी केयर में आपको काफी चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट तो हो ही गई हूँ। तो मैं क्या की कि उससे ही दुकान खोली और उसको प्रोडक्ट को मैं सेल करके इनकम कमा ली, तो मेरे पास उतना सारा पैसा तो कैसे आ गया, और बोनस आ रहा है वो अलग से आ रहा है, तो हुई ना मैं मालामाल। तो छोटी सी शुरुआत करके अगर मैं मालामाल हो सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं, क्योंकि इसमें मुझे 100% का गारंटी मिल रहा है जो दुकान में मुझे नहीं मिलता था, कैशबैक मिल रहा है जो दुकान में कभी भी नहीं मिलता था। और क्या मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पर, मान ली कि मैं
किचन का ही प्रोडक्ट लेती हूँ वंडर ड्रॉप, इसका एमआरपी 200 है, तो मुझे इसके ऊपर भी अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा। हर प्रोडक्ट पर हमको अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद अगर मैं 5000 का सामान ले रही हूँ तो उस पर मुझे 500 से 600 का सामान फ्री में मिलता है, तो वो भी तो मेरा इनकम ही हुआ ना फ्रेंड्स, क्योंकि उसको भी तो मैं सेल कर देती हूँ, तो वो भी तो मेरा इनकम ही हो गया। कितना सारा यूज करेंगे हम, घर में जितना यूज करना है उतना यूज करती, बाकी सेल कर देती हूँ। कुछ फ्रेंड आते हैं देखते, अरे ये क्या लगा रही है जिसे तुम्हारा चेहरा निखर गया है, अरे ये लगा रही हूँ लेके जाओ, तो ये भी तुम्हारा, मैं ब्यूटिशियन बन गई ना, मैं पहले ब्यूटी पार्लर का कुछ भी नहीं आता था, जीरो थी, लेकिन अब इसी में आके मुझे सब कुछ आने लगा कि ब्यूटी ब्यूटी मेकअप कैसे करते हैं, फेशियल कैसे करते हैं, सब कुछ आ गया मुझे, तो मैं ब्यूटिशियन भी हो गई। उसके बाद मुझे यहाँ से लॉयल्टी मिला जिससे मैं फ्री का दुकान खरीद ली। अब इसमें मुझे क्या क्या और आगे मिलेगा, कार, सपनों का कार, सपनों का घर, जो घर मैं सपनों में चाहती हूँ हमेशा देखती हूँ वो घर, फॉरेन ट्रिप, वो भी अपने बल पर, पूरा फैमिली के साथ में जाना है मुझे, और एक बार नहीं, इसमें तो मैं तो एक ही बार जाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें एक बार नहीं कितना बार भी मैं जा सकती हूँ, वो मेरे मेहनत के ऊपर है, मेरे जुनून के ऊपर है। तो मैं तो सबसे यही बोलूंगी, जब समीर मोदी जी हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर एक कदम हम क्यों ना बढ़ाएं। मैं तो अपना कदम बढ़ा दी हूँ, अब आपकी बारी है, आप कब कदम बढ़ा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे इतना देर झेलने के लिए, कितना लोग पक गए होंगे कब से बकबक बकबक किए जा रही है, लेकिन सर दोस्तों ये बकबक नहीं है, रियल में आपकी लाइफ को चेंज करने का इवेंट है, एक बार इसको अजमा के तो देखिए आपके जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं, जो इंजीनियर है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, सभी लोग मिलके जुनून के साथ में इसमें जुड़े हुए हैं और अपने सपनों को जी रहे हैं। तो अब मैं मैम को बोलूंगी कि वो कुछ बोले। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया रीना जी, सही में बहुत बढ़िया, और आपने ये बता दिया कि एक गृहिणी के पास देखिए हाथों की कला तो है, बोलने की भी कला है, क्योंकि हर एक लेडी, मैं समझती हूँ मेल से ज्यादा लेडीज को बकबक करना या बातें करना, शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, पर जो वो शेयर करते हैं गार्डन में बैठकर, लॉबी में बैठकर, घर में बैठकर, रिलेटिव्स के साथ बैठकर, उससे मिल कुछ नहीं रहा, सिर्फ टाइम पास, टाइम वेस्ट हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ रीना जी का ये एग्जाम्पल लेकर बैठूं, अगर ये पहले वाली रीना जी होती तो ये भी टाइम पास ही कर रही थी, पर उन्होंने सिर्फ एक दुकान बदल दी, और दुकान बदलने से आज क्या हुआ, उनके हाथों की कला निखर कर आ गई, उनके जुबान की कला निखर कर आ गई, और वो निखार ऐसा है कि रीना जी में बहुत बड़ा चेंज है, एक दुकान बदल दिया। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, एक दुकान बदलने से हुआ क्या, आपकी किस्मत का ताला खुल गया। पर सही मायने में अगर एक आम गृहिणी के हिसाब से बात करूं कि मैं दुकान बदलूं क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं एक एंगल पर चल रही हूँ, एक रास्ते पर चल रही हूँ, मैं हटू क्यों वहां से। पर मैं समझती हूँ हटना जरूरी है, क्यों, पैसा आपका है, मेहनत का पैसा है, चाहे वो आपके हस्बैंड का हो, फादर का हो, बच्चे का हो या आपका हो। अगर एक एग्जांपल से बताऊं कि अगर मैं एक मॉल में जाती हूँ, मेरे हर महीने का खर्चा अगर 6000 का है, तो मैं वहां पर सिर्फ 6000 का 6000 ही देने वाली हूँ। पर अगर मैं मोदी केयर की दुकान पर आती हूँ तो मुझे अप टू 20% डिस्काउंट में चीजें मिल रही हैं, और वही सामान मुझे 5000 का मिल रहा है, यानी मेरा 1000 बच गया। 6 महीने की बात करूं तो 6000 बच गया। अब मार्केट या कोई मॉल मुझे कोई भी फ्री में गिफ्ट नहीं देता, मेरे घर वाले नहीं है कि वो आपको गिफ्ट बांटेंगे, तो पर मोदी केयर तो आपके घर वाला है, वो क्या देता है, 10 से 12% का तो फ्री में गिफ्ट दे रहा है ताकि आप खुश रहें, आपके घर में और प्रोडक्ट आए। तो अगर 10% पकड़ के चलूं तो 5000 के सामान में अगर 10% की बात करूं तो 500 रुपए का तो प्रोडक्ट मिला, वो भी यूज वाला, कोई डब्बा कढ़ाई कुकर नहीं दे रहा है, आपको प्रोडक्ट दे रहा है कि यूज करिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात। अब तीसरी चीज क्या मिली, जब मैं मॉल में, दुकान में बाहर जाती हूँ तो मुझे पैसा थोड़ी ना दे रहा है, बोलता है मैडम पैसा लगाते रहो हम अमीर हो जाए।
या जो एडवर्टाइज दे रहे हैं वो बोलते हैं पैसा लगाओ, खरीदो, हमें देखो और मेरा घर भर जाए। पर मोदी केयर क्या बोल रहा है? मोदी केयर बोलता है पैसा लगाओ, सामान ले लो, अच्छा सामान ले लो, साथ में पैसे भी ले जाओ। कैसे पैसे ले जाओ? आप जब सब सामान खरीदते खरीदते आपके लेवल बढ़ रहे हैं, 7 से 16% जा रहे हैं। अगर मैं 5% की भी बात करूं तो मुझे 5,000 का 5% बोलो तो 250 रुपया दे रहा है। कंपनी मुझे दे रही है कि यार आओ खरीदो और अपने घर को भरो, पैसे से भरो, पॉइंट से मत भरो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। अब सबसे अच्छा चीज, मार्केट वाला ये नहीं बोलता है कि तुम मेरे लॉयल ग्राहक हो, आज इधर आए हो बोलेगा कल उधर जाओगे। हम मेरे मूड पर है कि मेरे को कहाँ सेल मिला, कहाँ डिस्काउंट मिला, मैं वहीं चली जाऊं। पर मोदी केयर क्या कर रहा है? आपको जाने कहीं नहीं दे रहा है। बोला आप एक बार आ गए तो मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे, मेरे साथ तो वफादार रहोगे। और अगर आपने एक बार, बोलते हैं ना, स्वाद चख लिया किसी चीज का तो आप उसके पीछे भागोगे। तो जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी रिजल्ट इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन है कि बोलते हैं ना खून लग जाता है, स्वाद लग जाता है, तो आप लॉयल हो गए। लॉयल होने पर क्या दिया कंपनी ने? वही 5,000 का सामान 6 महीना अगर ले लेते हो, 7वें महीने में 5,000 का सामान फ्री में दे दिया आपको, वो भी आपके चॉइस का। तो सोचिए मेरा 1,000 बचा, यानी 6 महीने की बात करूं तो 6,000 बच गया। अगर 500 का प्रोडक्ट देखूं 6 महीना, 3,000 का प्रोडक्ट आ गया। अगर 250 रुपया 6 महीना देखूं तो 1,500 का पैसा आ गया, मेरे अकाउंट में आ गया। और अगर लॉयल्टी की बात करूं तो 5,000 का प्रोडक्ट और आ गया। तो मैंने मार्केट में तो मेरे पैसे ही वेस्ट कर दिए, मैंने वहां पर 36,000 डाल दिया, मिला मेरे हाथ में कुछ नहीं, जीरो। घंटी बजाइए, घर आ जाइए। यहाँ क्या दिया? घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, पैसा भी दे दिया, गिफ्ट भी दे दिया, डिस्काउंट भी दे दिया, आपको और बेनिफिट दे दिया। यानी यहाँ मैंने 30,000 लगाया, मुनाफा कितना हो गया पता है? सोचो, 6,000 बच गया, 1,500 बच गया, 3,000 बच गया, 5,000। यानी आपका जो 15,500 का तो मुनाफा हो गया, और अगर 30,000 में से उसको हटा दीजिए तो आपका प्रोडक्ट मात्र 14,500 का पड़ा है। और अगर उसी को 6 महीने में डिवाइड कर दीजिए तो सोचिए आपका प्रोडक्ट मोस्टली 2,200 रुपये का पड़ा। तो मैं पागल हूं क्या? मैं 6,000 दूंगी वहां जाकर, जहां ना क्वालिटी है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना है, ना रिजल्ट है, ना गारंटी है, किसी और का घर भर रही हूं, इससे अच्छा मैं मेरा घर क्यों ना भरूं। तो अगर मैं सही मायने में अगर गृहिणी हूं तो मैं मेरे घर को देखूं ना, बाहर वालों को क्यों दुखूं। और अगर मुझे कोई मेरे को बोलते हैं ना, मेरे को एडॉप्ट कर लिया है कि भाई मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे को ही सारी चीजें, तो मोदी केयर तो हमको एडॉप्ट कर लिया है यार, मेरे बच्चों को आजादी के रास्ते में ले जाऊंगा, फाइनेंस आजादी दूंगा, उसके हर सपने को पूरा करूंगा। तो आज कोरोना हिला रहा है लेकिन मोदी केयर तो आजादी का डंका बजा रहा है, एक से एक प्रोडक्ट ला रहा है भाई आपके घर में आजादी लाने के लिए। तो मैं मोदी केयर के साथ वफादार क्यों ना रहूं? सबसे पहली चीज है कि मोदी केयर मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। लोग कहाँ अटक जाते हैं, इसने बताया तो मैं इसके इसके बारे में क्यों सोचूं? अरे पहले ये सोचो, मेरी दुकान है ना, मेरे देश की दुकान है ना, मेरे घर की दुकान है, तो मैं मेरा प्रोडक्ट मेरे घर ही लाऊंगा, किसी और को क्यों दूं? तो इतना जिस दिन अगर समझ में आ गया आपका, आपके आजादी के लिए, आपके पैसे बचाने के लिए, आपकी खुशियां लाने के लिए, आपके सपने पूरा करने के लिए एक दुकान आपके शहर में हर कोने में है, तो मैं उसी दुकान में जाऊं, किसी और दुकान में ना जाऊं। तो यही था कि हाथ की कला और जुबान की कला हर एक इंसान में है, खाली इस्तेमाल करना चाहिए। जिस दिन आप इस्तेमाल कर लेंगे, सपने आपके पास है, पूरे आपके हाथ में है, बस एक बोलते हैं ना, एक सोच बदलना है। सोच बदल लेंगे ना तो दुनिया के आपके घर का नक्शा बोलते हैं ना, वही आप चेंज कर सकते हैं। तो इतना ही अपील है कि भाई अपने आप को समझ लो, अपने पावर को समझ लो। लेडी अगर समझ ले कि भाई मेरे में ताकत क्या है तो वो कुछ भी कर सकती है, तब हमको ये पूछने की जरूरत नहीं है मेरे हस्बैंड को पूछूं, मेरे पापा को पूछूं, मेरे बेटे को पूछूं। ये हमारी हमारी जिंदगी है ना, हमको पहले अपने बारे में सोचना है। तो यहीं पर मेरा सेशन खत्म करूंगी, ओवर टू इंद्राणी मैम। थैंक यू रेनू, थैंक यू रीना जी। रीना जी हमेशा से आपका ऊर्जा बहुत अच्छा है। अब मैं जो गृहिणी का इतना बात हुआ तो मैं सब गृहिणी को ये पूछना चाहूंगी, हम खाना कितने दिन बनाते हैं, पोछा कितने बार करते, चम्मच कितने बार हिलाते घर में, दो टाइम,
हम वही दो टाइम अपने डेमो किट को हिला के दिखाते, अगर दिखाते तो आप सक्सेसफुल हो, अगर नहीं दिखाते तो आपका सक्सेस बहुत दूर है। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यहीं पर हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। जो भी आपको इनवाइट किया है उसको जरूर अप्रोच करिए और उसके पीछे पड़ जाइए, भाई ये चम्मच कैसे हिला पाएंगे। थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू थैंक यू मैम, रीना जी। थैंक यू मैम।